न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं आपके साथ सोनू। जवा जनपद के ग्राम पंचायत बौसड़ के मईलोखर गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीने से जला हुआ है। गांव में शाम होते ही अंधकार छा जाता है, बारिश का समय है, बिजली न होने से पानी की भी भारी किल्लत रहती है। मईलोखर गांव में आदिवासी बस्ती है, इन घरों में कई छोटे छोटे बच्चे व बुजुर्ग हैं। बरसात का मौसम होने से जहरीले कीड़ों का निकलना भी लगातार बना रहता है। बिजली न होने से गांव में डर बना रहता है। मईलोखर गांव की आदिवासी महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे गांव में हमारी समस्या को महसूस कर जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगाकर हमारी परेशानी दूर की जाए। आदिवासी महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। अपनी समस्याओं को लोकगीत के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का यह तरीका कितना कारगर होता है, यह तो समय ही बताएगा। बिजली विभाग व यहाँ के विधायक सांसद को भी ग्रामीणों की समस्याओं को समझना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवानी चाहिए। हमारा नाम फूल कुमारी, ग्राम मलोकर, नौसर पंचायत, ब्लॉक जगह रिवा, जिला मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम उसके माध्यम से एक गाना हम बनाए हैं, गाना ना हो और रोते हैं, गाना ना हो तो अपना दुखिया रो रहे हैं। रोई रही है आदिवासी हो को नहीं आए सुनैया, हाय हाय रे को नहीं आए सुनैया। रोई रही है आदिवासी हो को नहीं आए सुनैया, हाय हाय रे को नहीं आए सुनैया। हमारे गांव के जाला टंकरमा, हमारे गांव के जाला टंकरमा, प्यास न मारे छोटे बच्चा हो को नहीं आए सुनैया, हाय हाय रे को नहीं आए सुनैया। प्यास न मारे गरीब भैया हो को नहीं आए सुनैया, हाय हाय रे विनती है कि हमारा विनती है कि हमारा ट्रांसफार्मर लगवावा जाए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगे चाहिए। हिसाब से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मईलोखर में ट्रांसफार्मर लगता है।